दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। दमोह उपचुनाव के परिणाम तो नहीं आए, मगर दुष्परिणाम घोषित होने लगे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन चुनाव के दौरान ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। चुनाव प्रचार फिर भी जारी रहा। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। राठौर का पहले झांसी में इलाज हुआ, तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर इन्हें चिरायू अस्पताल भोपाल में अब भर्ती कराया गया है। भाजपा के चुनाव प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इलाज जारी है। भाजपा के पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनकी पत्नी भी चुनाव के दौरान हो गए थे बीमार, नहीं किया था चुनाव प्रचार। शिवराज भी चुनाव के अंतिम दौर में चुनाव छोड़कर चले गए थे और उन्होंने बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनने अपने को होम आइसोलेट कर लिया था। शिवराज के पुत्र कार्तिकेय भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उसी दौरान, मगर चुनाव जरूरी था, चुनाव जारी रहा। दमोह उपचुनाव में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सागर के आईजी अनिल शर्मा और उनकी पत्नी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इन दोनों का इलाज चिरायू भोपाल में चल ही रहा है कि अब आईजी शर्मा के दोनों बेटे भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अब सरकार यानी शिवराज कहेंगे चुनाव से कोरोना नहीं फैलता। आखिर कौन होगा इनके कोरोना संक्रमित होने का जिम्मेदार? क्या मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग पर भी हत्या के मामले दर्ज कराने के लिए कोर्ट लेगा संज्ञान? मद्रास हाईकोर्ट ने तो चुनाव आयोग पर बेहद तीखी टिप्पणी की है। देखना होगा कौन लेता है मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव को लेकर फैले कोरोना को संक्रमित या कोरोना फैलाने की जिम्मेदारी।